नमस्कार दोस्तों, मैं मगन, आप देख रहे हैं एम टी मोबाइल रिपेयरिंग। आज आपके लिए लेके आए हैं जो रियलमी का C2 मोबाइल है, C2 A1K। ये फुल सपोर्ट है और इसमें जब चार्जिंग लगाते हैं तो ओनली चार्जिंग का लोगो शो होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। सिर्फ इसमें चार्जिंग लोगो शो होता है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटा जरूर जाइएगा, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहां से आती है और आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये मोबाइल फोन शॉर्ट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हो कि हमारा वो फोन शॉर्ट है और इसको सही करने के लिए हम सबसे पहले मशीन को निकालते हैं। तो एक बार दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो भी इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, ये कैपेसिटर जो हमारे कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं वो शॉर्ट हो जाने के कारण ये समस्याएं आती हैं। इस फोन में किसी दूसरे मिस्त्री ने कुछ रिपेयरिंग की है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि नीचे चार्जिंग वाला जो सेक्शन है उसका ऊपर वाला कैप अलग हुआ है पहले से, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक मुझे शॉर्ट मिला है, एक कैपेसिटर शॉर्ट है, इसको मैं अलग करूँगा। और अलग करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कैपेसिटर शॉर्ट था या नहीं था। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि अभी मैं और चेक कर रहा हूँ कि यदि इसमें कहीं और दूसरी जगह भी कोई शॉर्ट होगी तो उस कैपेसिटर को भी मैं चिन्हित करूँगा और उसके बाद में मैं इसमें बताऊँगा। तो जैसा कि दोस्तों, मैंने एक कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव किया है और रिमूव करने के बाद में मैं इसे चेक करूँगा अपने मल्टीमीटर से कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि हमारा कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, तो एक्चुअली इसमें कहीं और से कोई और दूसरा कोई कैपेसिटर शॉर्ट है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट किलर का यूज करूँगा। जैसा कि आप लोगों के पास एक शॉर्ट किलर है तो आप लोग भी शॉर्ट किलर का यूज कर लीजिएगा, जिससे कि हमें शॉर्टिंग ढूंढने में काफ़ी मदद मिलती है। तो अभी हम अपने शॉर्ट किलर को यहाँ से यूज कर लेते हैं और उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आती है। काफ़ी हिस्सा काफ़ी कोशिश करने के बाद में जो हमें कैपेसिटर नहीं मिला था चार्जिंग सेक्शन में, या किसी दूसरे टेक्नीशियन के द्वारा इसका जो चार्जिंग सेक्शन है शॉर्टिंग नहीं ढूंढ पाया है, तो उसको मैं अभी आपको सामने ढूंढ के बताऊंगा और दिखाऊंगा कि मैं इस शॉर्ट किलर के द्वारा किस प्रकार से इसका शॉर्टिंग रिमूव करते हैं। अभी मैंने माइनस वाला जो शॉर्ट किलर का है उसको बॉडी से पेस्ट कर दिया है और अभी मैं शॉर्ट किलर का एक चिमटे में डालने के बाद में यहाँ से कोशिश करता हूँ कि यहाँ प्लस पॉइंट पर टच करें और पीछे चार्जिंग वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर उंगली रख के देखें कि हमारा कहीं हीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे कोई भी हीटिंग नहीं हो रही। और एक बार मैं यहाँ से भी रख के देखता हूँ, यहाँ से कोई अगर कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो वो भी कोशिश करेंगे कि हमें जल्द से जल्द मिल जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ भी हमें कोई कैपेसिटर नहीं मिला है और शॉर्टिंग निकालने की जुगाड़ जो है वो असमर्थ हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोबारा से अपनी बॉडी के दूसरी तरफ जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे और पूरे पूरे बोर्ड को टच करेंगे जगह जगह पर। यदि हमें जहाँ पे भी हीटिंग ओवर हीटिंग मिल रही है अपने हाथ से, जहाँ भी हमें ओवर हीटिंग मिलेगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि हमारा उसी स्थान पर शॉर्टिंग होना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक शॉर्टिंग वाला जो हीटिंग वाला ऑप्शन फोकस हो हुआ है बॉडी से शॉर्ट, तो मैंने अभी कैप को उतार लिया है और यहाँ पे दोस्तों ये दो कैपेसिटर हैं काफ़ी रॉन्ग दिख रहे हैं, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और हमें यही शॉर्टिंग मिली थी। तो दोस्तों, अभी आपको मोबाइल सही होने की काफ़ी उम्मीद तक पहुँच चुके हैं और देखते हैं कि अब हमारा बोर्ड शॉर्ट है या नहीं। थैंक यू दोस्तों, हमारा बोर्ड अब शॉर्ट नहीं है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ोन चालू हुआ या नहीं हुआ। ये दोस्तों, इस प्रकार से हम इससे किसी भी फ़ोन की शॉर्ट किलर के द्वारा शॉर्टिंग निकाल सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमसे प्लीज राय ले सकते हैं।
मैं आपके लिए हर वक्त, आप मेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो अभी देख लेते हैं कि हमारा जो बोर्ड है ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यह है कि दोस्तों मैंने बैटरी लगा दिया है और देखते हैं कि हमारा ऑन बोर्ड ऑन हुआ या नहीं। ये देखिए दोस्तों हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है और ऑन हो जाने के बाद में आपको हम ये भी दिखाएंगे कि हमारा बोर्ड अब चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो रियलमी का C2 मोबाइल है अभी फुल ऑन कंडीशन पे आ चुका है। इसी प्रकार से आप लोगों को मैं हर वक्त नए नए तरीके और नए नए वीडियो दिखाता रहता हूँ आप लोग, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और हर वक्त नई नई जानकारियाँ लेते रहिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो बोर्ड है चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ये देखिए हमारा बोर्ड चार्जिंग ले रहा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग M2 मोबाइल रिपेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट।